ग्रेविटी मॉल बाहर से कुछ ऐसा खूबसूरत दिखता है मॉल। और खासियत बता दें कि आप जब जिधर भी आप देखेंगे जो इसका रेलिंग होता है ना, इसका रेलिंग पूरा चारों तरफ शीशा ही का दिया गया। इतने बहुत सारा ब्रांड लग चुका है ग्रेविटी मॉल में, जैसे ब्लैकबेरी है, मैक्स है, सबका ब्रांड लग चुका। और इस मॉल में तीन तरफ से रास्ता जाने के लिए दिया गया है, एक लिफ्ट के से जाना। हमने जो लिफ्ट वाला सीढ़ी होता है वो पूरा बन करके तैयार हो चुका, हर फ्लोर बाय फ्लोर वो जा चुका। पर इस ग्रेविटी मॉल में कुछ यूनिक होने वाला कि जब आप पार्किंग गाड़ी लगाते हैं तो आप लिफ्ट के सीढ़ी से ऊपर आएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल, फिर से आपका दोस्त आपके साथ है। आपको बता दें कि अभी हम खड़े कुम्हरार के पास। देखिए, पटना अपने इमारतों इतिहास के लिए खूब जाना जाता है। देखिए, हाल ही में पटना मॉल के लिए बहुत ही ज्यादा चर्चित में में आपने सिटी सेंटर का उद्घाटन ओपनिंग देखा कि बहुत ही ज्यादा लोगों को भाया। इसी तरह एक और मॉल पटना में जो बन के तैयार हो चुका है, अभी उद्घाटन नहीं हुआ जी, जिसका हम बात कर रहे हैं ग्रेविटी मॉल के बारे में। तो आज हम वहीं चलेंगे। अभी हम खड़े हैं यहाँ कुम्हरार के पास और कुम्हरार से अपने सफर स्टार्ट करते हैं, जो पटना के VIP इलाके में बन रहा कंकड़बाग रोड में जो आपका ग्रेविटी मॉल बन के तैयार है। आज चलेंगे वहीं और देखेंगे कि कब ओपनिंग होने वाला। तो अभी तक आप हमारे चैनल तीन घुमक्कर को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें, भाई को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग कुम्हरार पुल के ऊपर चल रहे हैं, सामने देखेंगे आप वहाँ ट्रेन पार हो रहा है। हम लोग कुम्हरार के इस पार आ गए और यहीं से आपको सीधे जाएंगे तो आपको कंकड़बाग सीधा एकदम निकल जाएगा। अगर आप पटना जंक्शन भी जाना चाहते हैं तो सीधा पटना जंक्शन भी निकल सकता है। और आज को आपको बता दें कि आज का मौसम भी बहुत ही अच्छा है क्योंकि विंटर का मौसम है और धूप नहीं हुआ। ये मॉल अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ और बहुत चर्चित में ये मॉल है। तो अब हम लोग राजेंद्र नगर टर्मिनल के पास पहुंच चुके हैं, सामने आपको दिखता होगा। कंकड़बाग एरिया में पहुंच चुके हैं और सामने आपको दिखता होगा ग्रेविटी मॉल का नज़ारा, बेहद ही खूबसूरत और बेहद ही ज़बरदस्त नज़ारा ग्रेविटी मॉल। ये देखिए आपके सामने ग्रेविटी मॉल दिखता होगा, जो बहुत ही बड़ा मॉल है, देख सकते हैं ग्रेविटी मॉल। ग्रेविटी मॉल बाहर से कुछ ऐसा खूबसूरत दिखता है मॉल। और सामने आपको देखते होंगे लिखा हुआ है ग्रेविटी मॉल और ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन से बनाया गया। और बहुत सारा ब्रांड भी यहाँ लग चुका है, जैसे कि मैक्स है, ब्लैकबेरी है, बहुत सारा ब्रांड यहाँ लग चुका है। फाइनली हम लोग ग्रेविटी मॉल पहुँच चुके हैं और ये ग्रेविटी मॉल का इन्वेस्टमेंट है, जो बाहर का आपको होता है वो नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। इसी से अंदर एंट्री जाने के लिए, अभी एंट्री तो नहीं मिल रही है जाने के लिए, पर फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं जो है कि इंचार्ज उनसे बात करेंगे कि अंदर हम लोग को जाने दीजिए, क्योंकि हम अपने सब्सक्राइबर के लिए अंदर जा करके वीडियो बनाना चाहते हैं, उनसे बात करेंगे। और देख सकते हैं हम लोग पहुंच चुके हैं ग्रेविटी मॉल और देख सकते हैं बहुत सारा ब्रांड लग चुका है ग्रेविटी मॉल में, जैसे ब्लैकबेरी है, मैक्स है, सबका ब्रांड लग चुका। और बहुत ही बड़ा इंटीरियर देख सकते हैं आपका, ये जो बेसमेंट होता है बाहर का, जो बहुत ही बड़ा क्षेत्र में रखा गया है। जो वेटिंग एरिया होता है, जो लोग अंदर जाते आते तो देख सकते कितने बड़े क्षेत्र में बनाया गया, आपको बता दें, देख सकते हैं ये बहुत ही बड़ा। और इस साइड साइड में गार्डन के जैसा बना दिया गया, पूरा पेड़ पौधा लगा दिया गया यहाँ साइड साइड में। और ऐसा कहा जाता है कि कंकड़बाग पूरे एशिया का सबसे बड़ा कॉलोनी है। और आपको बता दें कि पूरे कंकड़बाग में ये सबसे बड़ा मॉल होने जा रहा है, ग्रेविटी मॉल जो है कि कंकड़बाग का सबसे बड़ा मॉल होने जा रहा है। फाइनली हम लोग को परमिशन मिल चुका है और हम लोग अंदर आ चुके हैं ग्रेविटी मॉल के अंदर। आपको बता दें कि टोटल 7 फ्लोर का ये मॉल होने वाला है। और आपको बता दें कि 2 इसमें ग्राउंड फ्लोर में से बेसमेंट और पार्किंग बनाया गया है। आपको बता दें कि अभी काम बहुत तेज़ी से यहाँ हो रहा काम। और इधर से भी देखेंगे तो आप, ये जो लिफ्ट वाला सीढ़ी होता है ये बनाया गया है, हर फ्लोर बाई फ्लोर जो है ना कि इसे बनाया गया है। इधर ये पार्किंग एरिया, ये नीचे पार्किंग एरिया है, इसे पार्किंग बनाया जाएगा। ऊपर का इंटीरियर जो है कि बेहद ही खूबसूरत दिख रहा, सामने आपको दिखता हुआ। और ये देख सकते हैं फ्लोर बाय फ्लोर यहाँ मॉल है। और इधर देखेंगे तो बहुत सारा शॉप बनाया गया है अंदर में, जो ब्रांड लग चुका है, बहुत सारा ब्रांड यहाँ लगेगा, जैसे कि ब्लैकबेरी है, मैक्स है, और भी बहुत सारे ब्रांड यहाँ आ रहे हैं लगने के लिए, तो अलग अलग ब्रांड यहाँ लगेंगे। इधर देखेंगे ये लिफ्ट है सामने और इधर से भी जाने का आपको रास्ता, तो हम लोग चलेंगे फर्स्ट फ्लोर की ओर और देखेंगे। बस आप बात आपको बता दें कि अभी तक हम जहाँ भी मॉल घूमेंगे पटना में, किसी भी मॉल घूमेंगे, जहाँ पार्किंग से जब नीचे आते हैं तो आपको पैदल चल के आना पड़ेगा। पर इस ग्रेविटी मॉल में कुछ यूनिक होने वाला कि जब आप पार्किंग गाड़ी लगाते हैं तो आप लिफ्ट के सीढ़ी से ऊपर आएंगे। बहुत ही अच्छा, और यूँ कहें कि पटना के फर्स्ट ग्रेविटी मॉल में ऐसा दिया गया है कि नीचे आप लिफ्ट से आ सकते हैं पार्किंग में भी।
आप देखेंगे कि सामने जो लिफ्ट वाला सीढ़ी होता है वो पूरा बन करके तैयार हो चुका है, हर फ्लोर बाय फ्लोर वो जा चुका, बट इसे अभी ढक के रखा गया है। यूँ कहें कि अभी ओपनिंग होने में टाइम है, इसको टाइम लगेगा। और इसका जो डिज़ाइन है ना बहुत ही खूबसूरत अलग टाइप से गया। और बता दें कि आपको लिफ्ट देख सकते हैं, यहाँ दो लिफ्ट दिया गया है इधर से जाने के लिए, और एक लिफ्ट इधर भी है जो कि अलग से दिया गया था, यानी कि तीन लिफ्ट होने वाला है इस मॉल में। और मॉल में तीन तरफ से रास्ता जाने के लिए दिया गया है, एक लिफ्ट के से जाना है, और एक ये सीढ़ी वाला लिफ्ट है, और एक आप पैदल अगर सीढ़ी से जाना चाहते हैं तो उससे भी आप जा सकते हैं। हम लोग फर्स्ट फ्लोर की ओर बढ़ रहे हैं यहाँ धीरे धीरे, अभी तो लिफ्ट चालू नहीं है इसलिए सीढ़ी से जाना होगा हम लोग को। तो अब हम लोग फर्स्ट फ्लोर की ओर जा रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर की ओर आ चुके हैं अंदर। और इधर भी जब आप देखेंगे तो बहुत सारा यहाँ भी शॉप के लिए, अलग अलग ब्रांड के लिए शॉप के लिए दुकान बनाए गए। अभी काम चालू है, बहुत सारा काम नहीं हुआ, अभी यूँ कहें कि सिर्फ इंटीरियर बन के तैयार हो चुका है, अभी बहुत काम बाकी है इसमें। बता दें कि इस मॉल की खासियत बता दें कि आप जब जिधर भी आप देखेंगे जो इसका रेलिंग होता है ना, इसका रेलिंग पूरा चारों तरफ शीशा ही का दिया गया, ये कहीं भी कुछ यूज़ नहीं किया गया, चारों तरफ शीशा ही यूज़ किया गया। आप देखेंगे हर फ्लोर बाई फ्लोर देखेंगे तो आपको शीशा ही शीशा दिखेगा, इस मॉल की ये खासियत है। और कंकड़ बाग में ये, और ये चुन्नी लाल मेगा मार्ट है, उसके बगल में ये बनाया जा रहा है मेगा मार्ट, क्योंकि कि बहुत ही जल्दी इसका ओपनिंग कर दिया है। जैसा कि हमने इंचार्ज से बात किया तो इंचार्ज बताया कि लगभग काम कंप्लीट हो चुका है, बस इसे ओपनिंग कर दिया जाएगा, हो सकता है मार्च या अप्रैल में इसे ओपनिंग कर दिया जाएगा। तो इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहे, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।